तो फ्रेंड्स आज है दशहरा और हम लोग जा रहे हैं मेला देखने के लिए। तो देखने जा रहे हैं पहले कि रावण जल रहे हैं कि नहीं, तो रावण देखेंगे, रावण दहन देखेंगे और उसके बाद थोड़ा सा मेला देखेंगे। और मेला मैं तो ऐसे ही जा रही हूँ, सारे ऐसे ही जा रहे हैं क्योंकि सब जो मार्केट के लोग होते हैं वही लोग मेला लगाए होंगे और क्या, रोज ही जाते हैं बाजार। तो बस ऐसे ही जा रहे हैं, बच्चों को थोड़ा सा दिखा के ले आती हूँ। तो मैं जा रही हूँ, निखिल सोना मैं जा रही हूँ, सोना जा रही है और रूमा और हमारे जो जितने अड़ोसी पड़ोसी हैं उनके बच्चे अच्छे सभी लोग, आशीष की मम्मी भी सभी लोग जा रहे हैं। तो चलिए दिखाते हैं रावण। पता नहीं रावण जल गया होगा कि नहीं अभी। नहीं, वो लेट जलाते हैं। लेट जलाते हैं। तो चलिए देखते हैं रावण जले हैं कि नहीं। सबको पहले इकट्ठा कर लेती हूँ, बटोर लेती हूँ, फिर चलती हूँ। इकट्ठा हो चुके हैं सभी सारे। अंशिका रेडी हो गई है, बिंदी उंदी लगा ली, कपड़े वही पहनी और हम सभी वही कपड़े पहन के जा रहे हैं ना, यही अच्छे है काफी। क्या करना, कौन हमें देख रहा है मेलों में। ये है सारे मेला देखने वाले वासी। तो फ्रेंड्स ये देखिए आ गए थे हम लोग मेला देखने और यहाँ मेलों में ना, जहाँ हमारे यहाँ पे ना कुछ भी नहीं मिलता है, बस वही बच्चों का तीर धनुष गधा यही सब दिखेगा। और सबसे ज़्यादा अगर कुछ दिखता है ना तो पिपीरी और उसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा कि पूछिए मत, मतलब कान ऐसा लगता है फट जाएगा। और यहाँ पर देखिए तो हम लोग आए थे रावण दहन देखने के लिए, लेकिन रावण ने पहले ही जल गया था, हम लोग थोड़ा लेट हो गए थे। तो ये लोग जा रहे हैं और जहाँ पर रामलीला हुआ था ना, तो वहाँ पर हम लोग गए थे, हमें लगा वहीं पर जलेगा, लेकिन वहाँ पर नहीं, इधर किए थे जहाँ हम पहले वॉक करने के लिए आते थे ना इधर। और ये देखिए भीड़ देख रहे हैं, तो इतनी भयंकर भीड़ थी ना कि पूछिए मत। बाद फ्रेंड्स हम लोग रावण जहाँ जला था वहाँ तो गए ही नहीं अंदर, क्योंकि वहाँ रावण जल चुका था। सभी लोग फिर वापस आ गए थे रामलीला मैदान में, जहाँ पे रामलीला का आयोजन किया गया था ना यहाँ पे। तो लास्ट बार मैंने सोचा कि आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। तो इस साल का लास्ट बार हम लोग सभी लोग आए थे और यहाँ पे बोल रहे थे ना कि जिनको फोटो तो खिंचाना है तो सभी लोग खिंचा सकते, तो सभी लोग जा रहे थे। तो हमने कहा चलो हम भी फोटो खिंचाते, सभी लोग सेल्फी ले रहे थे, फोटो खिंचा रहे थे। एक यादगार होता है ना कि फिर अगले साल फिर जो है कि हम लोग खूब इंजॉय करेंगे। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा अजीब सा मतलब फील हो रहा था। बस ये देखिए तो हम लोग आ गए थे बस मेले में, थोड़ा सा देखते हैं और कुछ मिलता तो है नहीं, बस यही सब थोड़ा मोड़ा दिख रहा था, उसके बाद जो है कि घर जाते हैं। और मेले में आए तो जलेबी ना मिले ऐसा तो होता ही नहीं है, और जलेबी तो मिलती है। और जब मैंने सोचा ना थोड़ा जलेबी ले लेती हूँ हस्बैंड के लिए क्योंकि उनको पसंद है, तो बस यहाँ से थोड़ा सा जलेबी लूँगी। और बच्चे लोग ना पहले ही चीजी उजी लेकर अपना खाओ के, रूमा सोना झिनकू सब लोग, ये लोग ना पहले ही चले गए थे ये लोग। तो बस यहाँ पे देखिए और यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों का इतना ज़्यादा मतलब मस्ती, इतना ज़्यादा आवाज़ कर रहे थे ना कि ऐसे लग रहा था ना कि कान फट ही जाएंगे एकदम से। इसके बाद फ्रेंड्स ये देखिए मॉर्निंग। तो बस ये जो है कि मैं अपना गर्म पानी ले रही हूँ और इस समय थोड़ा सा जो हनी वाटर होता है ना वो मैंने लेना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि बदलते मौसम में ना थोड़ा सा होता ना इम्यूनिटी का ध्यान अपना ज़रूरी होता देना, क्योंकि इस समय जैसे सर्दी जुकाम बहुत जल्दी हो जाता ना, तो इसलिए मैंने हनी वाटर लेना स्टार्ट कर दिया है ताकि इससे ना हमारी इम्यूनिटी पावर जो है कि थोड़ी अच्छी रहे। और लेमन मुझे सूट नहीं करता तो मैं लेमन वाटर मैं बिल्कुल नहीं लेती हूँ, तो बस यही हनी वाटर ले रही हूँ। अभी पीऊँगी थोड़ी देर, उसके बाद जो है कि ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। और ये देखिए तो यहाँ पे क्या है ना कि आज बच्चों की सबकी छुट्टी, बस सोना को स्कूल जाना है, तो बस कहीं कि बाद में मैं बनाऊँगी सबके लिए खाना क्योंकि सभी लोग सो रहे थे, बस सोना को स्कूल जाना था। तो बस ये मैं ना क्या करी थी, चना था वाइट वाले जो चने सफ़ेद वाले होते ना काबली वाले, वही मैंने बॉयल कर दिया था, नमक डाल के भिगो रखा था पहले से ही। और इसमें बस वही नमक मिर्च धनिया या थोड़ा सा डाल के सब कुछ ना चाट मसाला सा डाल के अब मैं जा रही हूँ इसका ना पराठे बना दूँगी सोना के लिए। तो यहाँ पे बस उसका ये देखिए पराठे बना दिया था और एप्पल कट कर दिया था, तो इसको लंच बॉक्स में यही दे दूंगी और बाद में जो है कि लंच जो है हम सभी के लिए जो है कि कुछ अलग से बना लूंगी फिर बाद में।
और यहाँ फ्रेंड्स उसका रख रही हूँ, ये देखिए। तो सॉस तो पराठे से बच्चे बहुत ही अच्छे से मतलब पराठे से ना सॉस खा लेते हैं, तो सुना खा लेगी। और फ्रूट ब्रेक में मैंने रख दिया है एप्पल, तो एप्पल कट करके खा लेगी। बस इसका लंच पैक कर दिया, अब इसको दे दूँगी, रेडी कर दूँगी और सुना चली जाएगी स्कूल। आराम से देखो गिरना नहीं है, सारी जितनी रद्दी है ना सारी जो भी यूज की नहीं है पेपर सारे निकाल दो और वो देखो जो भी है सारे क्या है। और यहाँ फ्रेंड्स दशहरा तो खत्म हो गया, तो अब दीपावली की तैयारियां स्टार्ट हो गई हैं, क्योंकि दशहरा में क्या होता है ना कि हम लोग सफाई तो करते हैं लेकिन नीचे नीचे होती हैं सफाइयां, जो डीप क्लीनिंग होती है ना, जो एकदम से पूरा रद्दी वद्दी भंगार जितना बचा कुचा सब इधर उधर पड़ा रहता है ना, मतलब सब कुछ रख देते हैं। तो बस वही मैंने निखिल से बोला कि थोड़ा यहाँ से अंदर से ना निकाल दो सब कुछ और ऊपर थोड़ा सफाई उफाई हो जाए, क्योंकि ऊपर तो हम चढ़ नहीं सकते। तो निखिल बोल दिया कि चढ़ के ऊपर से सारा जितना पेपर वगैरह ना, मैं क्या कहती हूँ पेपर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ना, तो इस तरह से ना बंडल बना बना के ना इसके अंदर डलवा देती हूँ और थोड़ा मोड़ा रख देती हूँ, जैसे गली में किसी को जरूरत रहती है तो दे देती हूँ या हमें जरूरत लगती है। तो ये देखिए अंदर से निखिल निकाल दिया था, तो फिर मैंने कहा कि लगे हाथ अब इसके ऊपर से भी निकाल दो, ऊपर का जो टाड़ है ना उस पर से निकाल दो, सारा एक जगह रख दो। तो ये देखिए इतना सारा ये जितने प्लास्टिक व्लास्टिक होते ना सब रखती जाती हूँ, ऊपर फेंक देती हूँ, फिर इसको जो है ना कि सब अलग अलग रख दूंगी और ये जो है कि कबाड़ी वाले जो आते हैं ना तो फिर उनको जो है कि दे दूंगी। झाड़ू लो ऊपर ना, ऊपर झाड़ू अच्छे से लगा कर उठा लेना सारा, हाँ वहीं ऊपर ही उठा लो, नीचे मत गिराना। ये लो मुझे लगा ना कि सो गए हो कि जाग रहे हो इतना ध्यान से कौन पढ़ता है, मतलब क्या पढ़ रहे थे। मैं कह रही हूँ कि सो गए ऐसी पढ़ते पढ़ते कि जाग रहे हैं, देखती हूँ क्या है। फ्रेंड्स सारा मैंने ना निकाल के एक जगह पे रख दिया है, ये देखिए ये सारे रद्दी हैं पेपर वगैरह हैं और ये जो है ना प्लास्टिक की बोतलें वगैरह हैं, तो इसको मैंने ना इस तरह से भर के रख दिया, नहीं तो पूरा घर में फैल जाती, तो इसको यहाँ पे निकाल के रख दिया। और ये जो है एक ट्रे है और कुछ लोहे वे का जो है ना तो उसमें मैंने डाल दिया, कुछ लोहे का स्टैंड वगैरह है तो उसमें थोड़ा सा ये सब है, तो ये सब मैंने ना ऐसे लगा के रख दिया है ताकि घर में पड़ा रहे एक जगह पे रहे, और कबाड़ी वाला आएगा ना तो फिर सारा मैं जो है कि बेच दूंगी। तो ऐसी दीपावली में सफाइयाँ करनी पड़ती हैं, क्योंकि दीपावली में इतना ज़्यादा मतलब जितना रहता पूरा डीप क्लीनिंग होती है ना, तो सब कुछ साफ करना पड़ता है। तो ये सब तो नीचे का है, बाकी ऊपर का जो टाड़ का है वो निखिल उतार के ना ऊपर ही रख दिया, मैंने बोला ऊपर ही रख दो, जब कबाड़ी वाले आएंगे ना तब भी जो है कि सारा साथ में जो है कि बेच दिया जाएगा। और फ्रेंड्स एक चीज़ और मैं दिखाती हूँ ना, तो ये देखिए लाइट ऑन करती हूँ, ये जो स्टैंड था ना आप लोगों ने देखा था पहले मैं ऊपर रखी थी ना, तो यहाँ पे रख दिया था, तो इसको क्या किया निखिल ना जो स्प्रे आता है ना व्हाइट वाला स्प्रे लेकर इसने ना लगा दिया है ऐसे, तो काफ़ी अच्छा हो गया, तो इसको मैं फिर से यूज करूँगी ऊपर, क्योंकि इस पर ना बहुत सारी जो बर्तन होते हैं जैसे टिपन उपन हो गए, छोटे छोटे कटोरियाँ कप्स वगैरह होते हैं ना, तो वो जैसे धुल के तुरंत यहाँ पर रख दो तो सही रहते हैं, तो मैं सोच रही हूँ इसको फिर से यूज करूँगी, कलर हो गया ना तो बहुत ही काफ़ी अच्छा लग रहा है, बिल्कुल नया हो गया ये देखिए। मैंने सोचा है कि इसको भी अभी स्प्रे बचा हुआ है बोतल में, तो फिर मैंने कहा कि बाबू इसको भी मार देना, तो जैसे ये सूख जाएगा ना तो इसके बाद सारे बर्तन इस पर रख के और ये क्या करूँगी ना इसको भी एकदम स्प्रे मारवा दूंगी ताकि ये जो है ना साफ हो जाए। और ये कई साल हो गया है, बहुत साल पुराना हो गया है, लेकिन ये धुल देती हूँ तो चमक जाता है चलता है, लेकिन ये देखिए किनारे किनारे पे ना नहीं छूटता है, मतलब बहुत ज़्यादा ही बारीक बारीक है ना, ये देखिए निकले हैं ना इस तरह से, तो लगने का डर रहता है हाथ में, तो जितना होता है मेरे से मैं रगड़ के साफ कर देती हूँ, उतना नहीं खराब हुआ है, मतलब जंग नहीं लगा है, बाकी थोड़ा थोड़ा लग गया ना, तो मैंने सोचा ना स्प्रे करवा दूंगी ना एक बार तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, साफ सुथरा सुंदर सा हो जाएगा, तो ये करवा दूंगी। देखिए किचन में बर्तन वर्तन पड़े हैं, तो बस अब मैं जा रही हूँ, झाड़ू पोछा सब हो गया है, बस बर्तन क्लीन करना है और मुझे नहाना है, तो बस फटाफट से जो है कि बर्तन क्लीन करती हूँ, किचन काउंटर टॉप साफ करती हूँ, उसके बाद जो है कि नहाती हूँ।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, तो ये मैं दिखा रही थी ना अपने बाहर की जो सिल्ली है ना, इतनी सुंदर सी, मतलब हम लोगों ने बनवाई थी अभी कुछ साल पहले ही। तो क्या हुआ है ना कि अभी जो है कि ऑर्डर आया है कि ये फिर से तोड़ रहे हैं सभी लोग। तो यहाँ पे यही होता है, एक एक पैसे हम लोग, मतलब होता है ना कि एक एक पैसे बचा के घर बनवाते हैं, और कुछ लोग हैं कि इसको तोड़ने में बिल्कुल मतलब हिचक नहीं लगती, बिल्कुल भी वो नहीं होता। मतलब यहाँ पे क्या है ना कि हर साल 6 महीने में ना मतलब कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। मतलब उनको पता है कि नालियों की व्यवस्था सही है नहीं, लेकिन क्या करेंगे, आएंगे दो दो तीन तीन ईंट जोड़ देंगे, फिर जो है कि फिर दिक्कत होगी, फिर ऐसे ही करते करते घर भी एकदम सबके नीचे चले जाते हैं। तो यही प्रॉब्लम फिर हो रही है, नालियों की प्रॉब्लम ना बहुत ज़्यादा है, पानी एकदम पास नहीं होता है, मतलब हमेशा कचरा इकट्ठा हो जाता है ना। तब कह रहे हैं इस बार बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं कि अंदर जो है ना बड़ा वाला नाला है उस साइड में, मार्केट साइड में, तो उसमें सभी नालों को ना मिला रहे हैं, सभी नालियों को। तो बस यही कह रहे थे कि आप पहले ही आके बता रहे थे, क्योंकि ना पहले क्या किए, कई गलियों में ऐसे डायरेक्ट तोड़ दियो तो बहुत ज़्यादा लोग लड़ाई उड़ाई कर लिए थे, सबका नया नया बना था घर, सबका ऐसे ही मतलब बुलडोजर चला दिए, पूरा तोड़ दिए एकदम से। तो फिर सभी लोगों ने बोला, तो फिर आए थे बताने के लिए कि आप ना इसको चाहें तो आप अपने आप से थोड़ा सा निकाल लीजिएगा साइड साइड से, और बीच का जो है ना इसको भी तोड़ दीजिएगा, नहीं तो हम लोग गाड़ी लेकर आएंगे तो इकट्ठा पूरा नहीं तो उखाड़ देंगे। वही बता रहे थे कि 2 दिन का टाइम दे रहे हैं आप लोगों को, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखाती हूँ कि इंसान कितना मुश्किल से हम लोग घर बनवाते हैं, कितना मुश्किल से सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर यही होता है ना कि फिर हर साल 6 महीने, साल तो बीतते नहीं, मतलब कभी रोड खराब हो जाती है तो कभी पाइप तोड़ देंगे तो कभी ये वो लगा ही रहता है कुछ ना। तो बस यही मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि ये टूटने वाला है। यहाँ से खोला ही था ना, बंद नहीं कर रहा था, इसके लिए हमने कितना रिक्वेस्ट किया तो दोनों साइड से बंद करके सुंदर सा। भाई साहब ये नहीं होगा। बहुत ज्यादा सिफारिश की तब जाके बनाया नहीं, था भाई साहब ऐसे नहीं। एक एक पैसे इंसान जोड़ जोड़ के बनाता है, और ये लोग तुम्हें समझ में नहीं आता है कि क्यों तोड़ते हैं। 6 महीने बड़ी मुश्किल से 6 महीने साल भर में तोड़ना ही रहता है उनको। मतलब कहीं रोड खन देंगे तो अभी सीवर डाला है, सीवर थोड़ा सा मतलब अब जब इनको नालियां ऊंची करेंगे फिर सीवर नीचे जाएगा, फिर कहेंगे अब फिर रोड चौड़ा ऊंचा करना है, रोड ऊंची करेंगे फिर ये नाली नीचे जाएंगी। मतलब इन लोगों का कुछ समझ में नहीं आता है, और ज़्यादा खाल में घर चला जाएगा, बिल्कुल अंदर चला गया, पूरा टूटेगा, भैया का भी सामने से पूरा टूटेगा ना, पूरा टूटेगा यहाँ से।